अब देखो गाइस मैं कैसे कटवाती हूँ। तो ये देख सकते हो गाइस प्रिया बाइक चला रही है अभी हमारी। मेरी भावनाएं समझो, मुझे यहाँ से उतारो। ये देखो क्या हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हो अभी प्रिया बाइक चला रही है और मैं यहाँ पीछे बैठ रखा हूँ। मम्मी मैं एक साइड क्यों जा रही हूँ? तो रे कहाँ खाई में भाई 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 लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कभी। आज की वीडियो की कहानी ऐसी गाइस, आज मैं जाने वाला गोपी सर्कल राइड पे और इस राइड का स्पेशल पार्ट ये होने वाला है, इस वीडियो का स्पेशल पार्ट ये होने वाला कि गाइस आज की इस वीडियो में ना हम एक तबाही काम करने वाले हैं। वो तबाही काम इस तरीके के, आज हम प्रिया को बाइक सिखाने वाले हैं। जैसे कि गाइस आपने लास्ट राइड में कहा था, हम कुछ दिन पहले बैनीताल गए थे, बैनीताल राइड में गाइस प्रिया भी हमारे साथ आई थी और प्रिया ने बोला था कि हम 15 दिन में बाइक सीख के बताऊंगी। तो ऑलरेडी मतलब 7-8 दिन तो बीत ही गए हैं, तो आज हम गाइस फाइनली प्रिया को बाइक सिखाने वाले हैं। एंड प्रिया को बाइक सिखाने के लिए गाइस मैंने एक स्पेशल बाइक ली अपने फ्रेंड से, बट अभी फटाक से चलते कोपेश्वर फिर प्रिया को बाइक सिखाते हैं एंड दिखाते हैं आपको सीन सारे। एट द अदर एंड गाइस कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे कि गढ़वाली में भी एक ब्लॉग बनाओ, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं और प्रिया गढ़वाली में एक ब्लॉग बनाए तो प्लीज कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो। डायरेक्ट मिलता हूं गाइस मैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो फाइनली मैंने रिफ्यूलिंग कर ली है और अभी गाइस मैं सिमली के मार्केट में हूँ। तो फटाक से निकलते हैं यहाँ से और आज की जो राइड होने वाली है ना गोपेश्वर की, ये जो राइड होने वाली है MT-15 पे होने वाली है, संजू भाई की MT-15 पे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम प्रिया का भी थोड़ा हाथ साफ कराने वाले हैं, इसमें थोड़ा उसको भी सिखाने वाले हैं। सो MT-15 इज अ परफेक्ट मशीन बाइक सिखाने के लिए। और अभी मैंने संजू भाई को बोला कि आज मेरे को तुम्हारी बाइक चाहिए, तो लेकिन संजू भाई को ये नहीं पता कि मैं उस बाइक में प्रिया को बाइक सिखाने वाला हूँ। जब वीडियो देखेगा ना भाई बहुत गंदी गाली देने वाले हैं मुझे पता है। स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल। एंड साथ में गाइस मेरे भाई की सर्विस भी आने वाली है, तो इसलिए मैं इस गाड़ी को ना ज्यादा चला नहीं रहा हूँ। आगे पे संजू भाई वेट कर रहे हैं, तो MT-15 लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ MT-15 पे। बाकी प्लीज आप फटाक से इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर इनेबल कर लिया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, तो अगर वीडियो देखते हो लाइक भी कर लिया करो। एंड एज यू कैन सी मैंने अभी राइडिंग जैकेट पहना है और मेरे को इस राइडिंग जैकेट में तो खुजली हो रही है पता नहीं क्यों, तो इसको भी कंफ्रैक्ट में छोड़ देंगे किसी दुकान में। अभी क्या है ना पहाड़ों में एक साइड धूप होती है एक साइड ठंडा होता है, अभी इस साइड ठंडा है ना, मेरे को इतना ठंडा लग रहा है ना क्या बताऊं। आज का प्लान ऐसा है कि आज हम थोड़ा प्रिया को भी बाइक वाइक सिखाएंगे, मतलब थोड़ा उसको बताएंगे कि कैसे बाइक चलाते हैं वगैरह वगैरह। अभी मैंने प्रिया को कॉल कर दिया है, तो फटाक से चलते हैं गोपेश्वर। हाँ आपको कहाँ जाना है? इनका पाँव पीछे रखो आप, ये है आपका पाँव रखने का। एक मिनट ना खोल देता यार बेटा, एक हेल्प और कर देनी है तूने। क्या मेरे को 500 रुपए की मदद कर देनी है अंकल? पैसे तो नहीं होंगे मेरे पे ना। सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ पे रोड का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है और अभी हम एडवेंचर करके यहाँ पर जाने वाले हैं। तो ये रही MT-15 की ऑफ रोडिंग और ऊपर से हल्के हल्के पत्थर भी गिर रहे हैं। A few moments later. So guys, finally मैं पहुंच चुका गोपेश्वर और जैसे कि आपने देखा मैं वहां से एक अंकल को लिफ्ट दे रहा था, एक पुलिस वाले अंकल को। एक्चुअली सीन ऐसा था ना, उनके लौंडे को पड़ गए थे मिर्गी के दौड़े, तो उनको मैंने वहां से यहां तक लिफ्ट दिया। पुलिस वाले की हेल्प कर दिया करो भैंस की डांग। वो अलग बात है, पुलिस वाले हम बाइकरों के लेने पर तुले रहते हैं, मतलब लेने पर पड़े रहते हैं जब हम मिले हमको परेशान करना। तो फाइनली पहुंच चुका है गोपेश्वर, मैंने प्रिया को कॉल कर लिया है, तो डायरेक्ट प्रिया के पास चलते हैं, प्रिया के घर के नीचे प्रिया को पिक करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन आगे का। तो हियर वी आर इन गोपेश्वर। प्यार की राह में चलना। मैं ऐसे थोड़ी ना बोलता हूँ कि गोपेश्वर गोपियों की नगरी है, गोपियों की नगरी जो है गोपेश्वर। Men will be men. Seagram's Imperial. का सोप नहीं। तो हियर इज गोपेश्वर का गोपीनाथ का टेंपल। कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मो। तो गाइस फाइनली आ गई प्रिया। हेलो हेलो, तो हियर इज प्रिया गाइस। हो रहे थोड़े यार का था। सो अभी गाइस हम जा रहे चोपता वाली रोड के साइड और ये वाली रोड चोपता को जाती है। अभी मेरा छोटा सा प्लान है कि प्रिया को आप जब आए हैं तो प्रिया को थोड़े आप से बाइक सिखाते हैं, मतलब थोड़ा उसका बेसिक क्लियर कराते हैं। मैंने बोला था कि 15 दिन में बाइक सीख के आपको बताऊंगी, आज इसका फर्स्ट डे करते हैं, थोड़ा सा सिखाते हैं बाइक का, मतलब बेसिक बताता हूँ मैं क्या क्या होता है वगैरह। या आगे पे शायद हमको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट यहाँ वाली जो रोड है थोड़ा पतली है। तो फाइनली गाइस हम इस जगह पे आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सीधा पैच है, मतलब खाली खाली सब गाड़ियाँ भी थोड़ा बीच बीच में चल रही है, तो आई थिंक हम यहाँ पे थोड़ा प्रिया को सिखा सकते हैं बाइक। सीखे बेसिक पता पहले ये क्या है, ये ब्रेक है, ये क्या है, ये क्या पहले क्लच है ये। A few moments later. तो गाइस अभी प्रिया बाइक चलाने वाले हैं यहाँ पर से। पहला गियर। हाँ, ये पहला गियर है। इसके बाद ये जो चीज होती है ना क्लच को, इसको हल्का हल्का धीरे धीरे छोड़ते हैं। अरे हल्का हल्का कैसे मतलब?
यहाँ से आगे खाई है और मैंने स्पीड बढ़ा दी तो हम वहाँ नीचे गिरेंगे सीधा। इसमें थ्रॉटल दूं मैं? क्यों? चलें, धीरे-धीरे छोड़ो क्लच, ठीक है? ओके बाय भाई 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 भी चल गई। डरो मत यार भाई, ऐसा तो ना होगा। स्पीड तो मेरे हाथ पे है ना, पकड़े रखो ऐसे, पकड़े पहुंचा दूं ऊपर। ना ना इसको हाथ, स्पीड पे हाथ पकड़ो हल्का। किस पे? स्पीड पे। मम्मी मैं एक साइड क्यों जा रही हूं? थोड़ा, अरे छोड़ो 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 छोड़ो, छोड़ दिया। सही से चला रही एकदम से। नीचे खाई नहीं दिख रही। तुम जाते रहे ना, तुम डरो मत। जाते रहे कहां? खाई में? जाते रहे कहां? खाई में? अरे स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। नहीं आगे जा रहे हैं, डोंट वरी। तो अभी यहाँ पे मैं चला रहा हूँ और यहाँ पे से ना न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में प्रिया को देंगे, अगर वो ला पाई मतलब मैं छोड़ दूंगा हैंडल उंडल हाथ वाथ, तो देखेंगे कि चला पाती है कि नहीं चला पाती है। कंट्रोल 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 प्रिया। ओ ओ ओ भाई 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 कंट्रोल कंट्रोल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत डरो मत। प्रिया भाई चला रही है, मेरे को ही पता है मैं कैसे चला रही हूं भाई। मेरी भावनाएं समझो, मुझे यहाँ से उतारो। भाई ये देखो क्या हो रही है। ओ ओ ओ ओ भाई भाई बहुत इजी है यार बाइक चलाना, है सिंपल बहुत। अब देखो गाइस मैं कैसे कट मारती हूँ। तो अभी हम वापस एक चक्कर फिर से यहाँ पे आ रहे हैं, फिर से मतलब मुझे लगता है प्रिया सीख सकती है यार जल्दी से जल्दी गाड़ी। पता लड़की यहाँ पे से पूरा खुद ही ले गई है गाड़ी। तो गाइस फाइनली देख सकते हो गाइस, प्रिया बाइक चला रही है अभी हमारी, और पीछे बैठ रखा हूँ लड़की बाइक चला रही है गाइस सामने से। सावा सावा चल चल चल, जान दे जान दे नुबड़ी, जान दे नुबड़ी। तो गाइस आप देख सकते हो अभी प्रिया बाइक चला रही है और मैं यहाँ पीछे बैठ रखा हूँ। ओ भाई भाई मजा आ गया गाइस, मजा आ गया। मैंने अभी कुछ हाथ बात नहीं पकड़े, खुद ही कंट्रोल कर रही है लड़की। तो देख रहे हो गाइस लड़की भी हमारी प्रो राइडर बन चुकी है प्रिया। अब राइड पे मैं पीछे बैठूंगा और प्रिया बाइक चलाएगी। क्या हो रहा मतलब ये गाइस था भाई, देख रहे हो तुम लोग प्रिया यहाँ पे से बाइक चला रही है। तो ये देखो हमारी प्रो राइडर, अब से हम लॉन्ग राइड पे तुम बाइक चलाओगी, मैं पीछे बैठूंगा। अभी गाइस प्रिया को ना गियर वगैरह चेंज कराना भी सिखाना है सही ढंग से। गियर बताऊँ प्रिया क्या होता है, बताता तुम्हें। जैसे तुम बोलो ना गियर चेंज नहीं करोगे तो क्या करोगे। अब जैसे ये पहला गियर है, अब पहला गियर ऐसे रहेगा तो गाड़ी देखना आवाज़ करेगी बहुत, नहीं कर रही आवाज़। अब मैं दूसरा गियर डालूंगा तब सही हो जाएगा। तो गाइस ऑल सेट फॉर डे वन, और ये प्रिया का डे वन था और आज प्रिया ने काफ़ी अच्छा सीखा। तो आगे की ट्रेनिंग प्रिया की हम बाद में कराएंगे, अभी फिलहाल निकलते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। यहाँ देखो ना लड़की में कितना जोश आ रखा, अभी पाँव भी उसने वहीं रख रखे। नहीं